हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोनू ब्लॉग्स 1980 पर। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, और 2024 की दिवाली आपके लिए कुछ खास हो, कुछ अच्छा लेकर आए, और हमेशा इसी तरह आपकी दिवाली मनती रहे। तो देखिए, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने फैमिली मेम्बर से। तो चलो मिलते हैं, कौन कौन है मैं आपको मिलवाती हूँ सब। तो ये देखिए, ये मैंने अपने कान्हा जी को सुबह सुबह उठा दिया है, और छोटे कान्हा को, जूनियर कान्हा को भी उठा दिया है। तो इनका नाम है कान्हा, कानूड़ा मैं प्यार से बोलती हूँ, और इनका नाम है कुंज। ये देखिएगा, तो मैंने कान्हा को सबसे पहले दूध का भोग लगाया। मैं आप सभी को दिखा दूँ, मेरे कान्हा जी, ये है मेरे कान्हा कानूड़ा, और ये है मेरे कुंज। ये देखिएगा, इनके साथ दिवाली ऐसे लगती है, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, मैं कभी उदास भी होती हूँ तो मुझे यहाँ देखकर, जब मैं अपने कान्हा से मिलती हूँ ना, तो बहुत खुशी होती है और सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। इसके बाद मैं मिलवाती हूँ कोको से, ये है कोको, और ये है प्रीतो। मैं अपने सभी फैमिली मेंबर से आज आपको मिलवाने वाली हूँ। ये है पक्की, जो कि सो के उठ चुकी है। ये है कुकी, तो देख सकते हैं कुकी बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही सुंदर है, और दिवाली पे आज कुछ खास तैयार होने वाली है। तो इनके साथ दिवाली हो ना, मैं तो यही कहती हूँ, इंसानों से दोस्ती करने से अच्छा ना डॉग से दोस्ती कर ली जाए। तो देखिए, ये है मेरे बड़े वाले कान्हा की ड्रेस, जो कि आज मैं उनको ड्रेसअप करने वाली हूँ दिवाली वाले दिन, और ये है मेरे कुंज की ड्रेस। तो ये कान्हा की है और ये कुंज की है, तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी स्नान कराने जा रही हूँ आज मैं। तो देखिये, मैं कर रही हूँ अपने कान्हा की मालिश, जो की मैं आपको दिखा दूँ, मैं इससे करती हूँ, डोंजन बेबी तेल से। अभी मैं अपने कान्हा की मालिश इससे करती हूँ। तो मैंने अपने कान्हा की मालिश शुरू कर दी, और फटाफट इनको हिलाने की विधि शुरू करूंगी। देखिएगा, तो देखते रहिएगा, वक्त हो गया है, कान्हा कर रहे हैं स्नान। ये देखिएगा, सुबह सुबह मैंने कान्हा को स्नान करा दिया है, और कान्हा को जल्दी जल्दी मैं तैयार करूंगी, और छोटे कान्हा इंतजार कर रहे हैं, कुंज मेरे इंतजार कर रहे हैं कि इनको भी जल्दी से मालिश करूँ और तैयार करूँ। और इसके बाद ना मैं लगाऊंगी कान्हा को इत्र। ये देख सकते हैं, ये इत्र है, और अब मैं इत्र लगाने वाली हूँ अपने कान्हा को, क्योंकि मैं हमेशा इत्र की मालिश करते हूँ हिलाने के बाद। देखिएगा, तो आज इत्र लगाएंगे अपने कान्हा को। ये देखिएगा, इत्र की मालिश भी करना जरूरी है, ताकि मेरे कान्हा महकते रहें। ये देखिएगा, महकते रहें, चहकते रहें, और मुझे भी महकाते और चहकाते रहें। ये देखिएगा, इत्र की मालिश अब मैंने कर दी है कान्हा की। अब मैं अपने कान्हा को ये जो पोशाक पहना रही हूँ ना, मैंने ये घर में ही बनाई है, खुद ही घर में सिली है कान्हा की दिवाली के लिए। तो मैं पोशाक पहना रही हूँ अपने कान्हा को, और पूरा फाइनल मैं आपको टच दिखाऊंगी किस तरह से मेरे कान्हा लगने वाले हैं आज, कितने सुंदर हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मैं अपने कान्हा के ड्रेसअप खुद ही करती हूँ, खुद ही घर में बनाती हूँ, बाहर से मैं नहीं लेकर आती हूँ। पोशाक पहन ली है, ये मैंने घर में ही बनाई है, लेस ये मैं मार्केट से लेकर आई थी, तो मैंने घर में ये फैब्रिक लाकर कान्हा के ड्रेस ड्रेसअप करी है। तो आगे मैं दिखाऊंगी फाइनल कैसे होने वाला है, कैसे लगने वाले हैं आज मेरे कान्हा, कैसे चमकने वाले हैं और कैसे चमकाने वाले हैं। तो और जैसे उसके बाद देखते हैं, कुंज की मालिश अब शुरू कर देते हैं। मालिश मैं कर रही हूँ, जल्दी से मालिश कर देती हूँ, जल्दी से अपने कान्हा को मिलाकर तैयार कर दूंगी। और मेरे कुंज भी आज हीरो लगने वाले हैं। ज़्यादातर मैं मैचिंग की ड्रेसें बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैचिंग बन नहीं पाई दोनों की, क्योंकि कुंज की ड्रेस ना मार्केट में काफ़ी सुंदर मिल गई थी, जो मुझे देखते ही पसंद आ गई और मैं लेकर आ गई। तो देखते हैं, कुंज को कराते हैं स्नान, कुंज भी जल्दी जल्दी स्नान करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कान्हा को तैयार कर दिया और मुझे तैयार अभी तक नहीं किया है, तो अब कान्हा कुंज की बारी है। तो देखिए, ऐसे मैं अपने कुंज को फटाफट से ऐसे साफ कर दूंगी टॉवल से। ये देखिएगा, इसके बाद इनको इत्र की मालिश करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने कान्हा को लगाया था इत्र, यही इत्र मैं अपने कुंज को लगाने वाली हूँ। देखिएगा, तो कुंज भी इत्र लगाकर बड़े हीरो बन जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत खुश होते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं, दोनों भाई बहुत ही प्यारे हैं। तो अब करते हैं कुंज का ड्रेसअप, कितने प्यारे लग रहे हैं। कुंज को भी मैंने ड्रेसअप कर दिया है, अब इनको चंदन का टीका करना है। जी हाँ, इत्र की मालिश हो गई, स्नान हो गया, दूध का भोग लग गया, और अब करते हैं हम चंदन का टीका, जो कि कान्हा जी को हमेशा चंदन का टीका लगाया जाता है। देखिए, बहुत ही प्यारे लगते हैं मेरे कुंज में, बहुत ही प्यारे से इंस्टीट्यूट से हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से मैंने ना ये गोपी चंदन की स्टिक ला रखी है, तो इसको ऐसे हमें पानी से, जी हाँ, गंगा जल वाले पानी से हमें इस तरह इसको हाथ पे घिसना है, ये इजीली मैश हो जाती है। ये देखिएगा, इस तरीके से हमें इसे घिसेंगे ना, और फिर इसके बाद चंदन का टीका मैं अपने कान्हा को लगाऊंगी, और कान्हा का जो स्नान है वो संपूर्ण हो जाएगा चंदन का टीका लगाने के बाद, पूरा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, पानी से जैसे मैं घिस रही हूँ इसको, आप इसी तरह से घिस सकते हैं, और उसके बाद मैं लगाती हूँ अपने कान्हा को चंदन का टीका। ही देखिएगा, मेरे कान्हा चंदन का टीका लगा के हीरो बन जाएंगे। देखिएगा, तो प्रॉपर हीरो बन गए हैं। ये देखिएगा, चंदन का टीका लग गया है, और स्नान हो गया है, बस अब कान्हा को
फिर से भोग लगाना बाकी है। और मेरे कुंज को जैसे मैं दिखाऊं तो मैं कुंज को भी यहाँ पर चंदन का टीका लगा दूंगी। कई बार तो एक बार में लगवा लेते हैं, लेकिन कई बार तो मैं छः छः बार पाँच पाँच बार लगा दी रहती हूँ, लेकिन इनका चंदन का टीका सेट नहीं होता है। आज दिवाली है तो आज खाना खुश है, तो देखते हैं। और आगे ज्वेलरी वगैरह सब सेटअप मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिएगा, ये मेरे कुंज बैठ गए हैं और काना तो मेरी गोदी में लेटे हुए हैं। अब इनको उठाऊंगी, ऊपर बिठाऊंगी तो बैठेंगे। थोड़ा नखरा बहुत करते हैं ये मेरे काना, थोड़े से नटखट हैं। तो काना को आज ज्वेलरी पहनानी है ना, ये फाइनल टच मैं आज देने वाली हूँ, और पहनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो अनबॉक्स में जरूर बताइएगा कि तो ये काना की ज्वेलरी, जो कि अपना काना की ज्वेलरी पहना रही हूँ, बताइएगा कैसी लगी मेरे काना की ज्वेलरी। तो ये देखिए, फाइनली मेरे कान्हा जी तैयार हो गए सुबह सुबह मोर पंख लगा के। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरे कान्हा कैसे लगे आपको, ये देखिएगा। और बात करूँ छोटे वाले जूनियर कान्हा की मैं आपको, तो ये देखिएगा बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। ड्रेसअप देखिएगा इतना बहुत ही प्यारा, मुझे तो भाई दिल से बहुत अच्छे लगे अपने कान्हा। आज जो जज रहे थे ना, बस क्या ही बताऊँ। और गणेश जी जो इनके दोस्त हैं ना, ये भी साथ में बैठे हैं। आज इनको भी मैं स्नान कराऊँगी और बहुत ही कुछ कराने वाली हूँ, देखिएगा। तो दिवाली के दिन मेरे कान्हा ने इस तरीके से कुछ तैयारी की। देखिए ये मुकुट आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने घर में ही बनाया हुआ है। सभी कुछ मैंने घर में बनाया है, ज्वेलरी में मार्केट से लेकर आई थी, बाकी पूरा सेटअप मैंने घर में ही किया है। और ये वाले कान्हा का मैं आपको ड्रेसअप दिखाऊँ, ये मुकुट दिखाऊँ, ये देखिएगा ये मुकुट भी मैंने कान्हा का घर में बनाया, ड्रेस में मार्केट से लेकर आई थी। तो आपको सभी कुछ कैसा लगा मुझे बताइएगा। दिवाली के दिन मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो 2024 दिवाली की। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने स्नान देख लिया, आप लगाते हैं काना को भोग। तो ये देखिएगा, ये है काना का भोग और मैं काना को भोग लगा रही हूँ, ये देखिएगा। तो काना को भोग लगा देते हैं जल्दी से, क्योंकि काना को भूख लगी होगी, और छोटे जूनियर काना को भी भोग लगा देती हूँ, देखिएगा। तो आप सोचेंगे ये क्या है, ये है मैंने गुड़ से बनाया गोला और काजू बादाम इसमें डाला है। दिवाली के दिन कुछ स्पेशल मैंने अपने काना के लिए बनाया है, देखिएगा। तो आप सभी भी खाइए, मुंह मीठा कीजिए, सभी के मुंह की मिठास बनी रहे।